हेलो स्टूडेंट्स, ए वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन एक्सपर्ट ब्रेन कोचिंग सेंटर। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियोस। वी वेयर रीडिंग मोशन चैप्टर ऑफ क्लास 9 साइंस। हम लोग क्लास 9 साइंस का मोशन चैप्टर पढ़ रहे थे एंड इट इज द लेक्चर नंबर 2 और ये मोशन चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होती है। ये चार टॉपिक को हम लोग आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। दीज फोर टॉपिक्स विल बी कवर्ड इन टूडेज लेक्चर एंड इन प्रीवियस लेक्चर। इट मीन्स वी हैव डन वन लेक्चर ऑफ मोशन। हम लोगों ने मोशन चैप्टर का एक लेक्चर पहले ही पढ़ रखा है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले वो लेक्चर को देखिए, ठीक है। आप चाहो तो स्क्रीन पर टैप करो जॉब प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट में लिखा होगा क्लास 9 चैप्टर 8, उस पर क्लिक करो। यू विल गेट द वीडियोस वेरी इजली, ठीक है। उसके बाद आप ये सेकंड लेक्चर को देखो। अदरवाइज आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट To make you understand about today's topic, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आज के टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। And this is the channel, you will feel that you are reading the physics by clearing the concept. If you are reading the physics by clearing the concept, then you will fall in love with physics. It's my promise. Okay? तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो मैंने डिफरेंशिएट करके लिखा है बोर्ड पे और समझाऊंगा भी, ताकि अगर आपसे डिस्टेंस के बारे में पूछा जाए या स्कूल के एग्जाम में पूछा जाए डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तब भी आप इजीली उसका आंसर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर पाओ, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैंने लिखा डिफिनेशन, डिस्टेंस की डिफिनेशन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट की डिफिनेशन क्या होती है। तो जो डिस्टेंस हमारा होता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाई ए बॉडी बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच में जो एक्चुअल पाथ हम लोग कवर्ड करते हैं, दैट इज नोन एज डिस्टेंस, क्लियर है। और जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये भी एक डिस्टेंस ही होता है, बट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाई ए बॉडी, जो छोटा रास्ता होता है दो पॉइंट के बीच में, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल पाथ, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस, और डिस्टेंस का ही एक पार्ट है, मतलब जब डिस्टेंस छोटा हो, मिनिमम हो, एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में, तो दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। और मैंने लिखा है एसआई यूनिट, जो कल मैंने सिखाया था कल के लेक्चर में। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम। एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, डिस्टेंस को मीटर में मेजर किया जाता है, इट्स सिंबल इज स्मॉल एम। डिस्प्लेसमेंट इज ऑल्सो मेजर इन मीटर, इट मीन्स द एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट मीटर होती है, इट इज आल्सो डिनोटेड बाय अ स्मॉल एम, ठीक है। ये दो पॉइंट सारे स्टूडेंट्स को आता है। जो मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। आप चाहो तो इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। देखो मैं पहले थ्योरी बता रहा हूं। The quantity which has only magnitude is called a scalar quantity. ऐसी quantity जिसके पास सिर्फ और सिर्फ magnitude होता है, that is known as a scalar quantity. और the quantity which has magnitude as well as direction both, that is known as vector quantity. फिर से मैं repeat कर रहा हूं, a scalar quantity क्या होती है? The quantity which has only magnitude, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है उसे स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होता है, दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। और इसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, magnitude, the quantity which has only magnitude is called scalar quantity and the quantity which has magnitude as well as direction both, that is known as vector quantity. अब देखिए मैं समझाने के लिए आपको एक example ले रहा हूँ।
फिजिक्स को हमेशा अपने डेली लाइफ में कनेक्ट करके पढ़ो, तब आपको इजीली समझ में आएगा। थ्योरी तो आप रट ही लोगे। देखो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज आपसे कोई भी इंसान पूछता है, जिस जगह आप खड़े हो, सपोज जैसे मैं न्यू दिल्ली के अंदर में हूँ, हमसे पूछे कि लक्ष्मी नगर से वैशाली तक का डिस्टेंस क्या है, तो मैंने रैंडमली बता दिया कि लक्ष्मी नगर से वैशाली तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर। ठीक है, बस मैंने सिर्फ ये बताया कि यहां से वैशाली तक का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर है। और दूसरा तरीका हमारे बताने का है कि यहां से वैशाली तक का डिस्टेंस है 5 किलोमीटर और ये ईस्ट डायरेक्शन में है, वेस्ट डायरेक्शन में। डायरेक्शन बता दूं कि यहां से लक्ष्मी नगर से वैशाली तक का डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और ये ईस्ट डायरेक्शन में है, तब ये क्वांटिटी जो हमारी बनेगी वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। यहां पर सिर्फ मैंने क्या बताया, लक्ष्मी नगर और वैशाली के बीच में जो हमारा डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। इस वाले केस में मैंने डायरेक्शन नहीं बताई। जब डायरेक्शन नहीं पता होगा तो डेट विल बी स्केलर क्वांटिटी, और जब हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होगा डेट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। तो कहने का मतलब है स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखिए मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए एक फिगर लिया है, एक ग्राफ का हेल्प लिया है। सपोज ये आपका घर है, होम है, और ये आपका स्कूल है। आप घर से इस डायरेक्शन में जाते हो 3 मीटर, घर से इस डायरेक्शन में जाते हो 3 मीटर, फिर यहां पहुंचने के बाद आप चलते हो 4 मीटर। पहले यहां से यहां जाते हो 3 मीटर, फिर यहां से लेकर यहां तक जाते हो 4 मीटर, आप स्कूल पहुंच जाते हो। इसको हम बोल देते हैं पाथ नंबर 1, ये पहला रास्ता है स्कूल जाने का। और दूसरा रास्ता ये वाला है, डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करो और यह स्कूल पहुंच जाओ। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट इस वाले पाथ को फॉलो कर रहा है 1 को, इस पाथ का नाम मैं देता हूं 2। तो देखिए जो एक्चुअल पाथ आपने कवर किया है 3 मीटर प्लस 4 मीटर, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सॉरी क्या ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी। ठीक है, अब ये देखो कि जब आप किस रास्ते से गए, पाथ नंबर 1 से, तो ये हमारा कहलाता है डिस्टेंस। और ये वाला जो पाथ है, यहां से जो आप डायरेक्ट चले गए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 मीटर, दैट विल बी डिस्प्लेसमेंट। आप डिस्टेंस देखोगे क्या आएगा, 3 प्लस 4 कितना आ गया, 7 मीटर। जब आप पहले वाले रास्ते से जा रहे हो आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है 7 मीटर, जब आप शॉर्टकट रास्ते से जा रहे हो आपको डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है 5 मीटर। तो मैंने वही बताया, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, और जो लंबा रास्ता होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जो छोटा रास्ता होगा उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, और जो लंबा रास्ता होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह का डिस्टेंस ही होता है, बट हम लोग क्या बोला, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, छोटा रास्ता होगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। और इसके अंदर में देखो ये कैसा डायरेक्शन है, स्ट्रेट डायरेक्शन में, इसमें 5 मीटर भी पता हम लोगों को है और ये स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम लोगों को मैग्नीट्यूड भी पता है और डायरेक्शन स्ट्रेट है, घर से नीचे और सीधा स्कूल पहुंच गए। तो इसके अंदर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, सो इट विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके अंदर में डायरेक्शन नहीं है, पहले आप इस डायरेक्शन में गए फिर यहां से यहां मुड़ गया, यानी आपका डायरेक्शन यहां पे दो जगह पे चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है, तो पहले क्या करो, अपनी कॉपी पे ये दोनों चीज को नोट डाउन करो, फिर हम लोग पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। मैं थोड़ा सा बोर्ड से साइड हो जाता हूं। देखिए जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को एक साथ पढ़ा, ताकि आपका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट एक साथ क्लियर हो जाए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है वो समझ में आ जाए, इन द सेम वे हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को एक साथ पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट सेम है, क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। देखो स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, स्पीड जो हमारी होती है, पहला डिफरेंस वो स्केलर क्वांटिटी होती है, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होने का मतलब स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, स्पीड के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। वेलोसिटी हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन,
वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, मतलब लेंथ भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे मैं बता दूं 5 मीटर लेफ्ट ईस्ट वेस्ट, जब डायरेक्शन मेंशन किया हो और साथ में मैग्नीट्यूड बता दिया गया हो, दैट इज वेलोसिटी। क्या वो वेलोसिटी है? तो देखो मैंने क्या लिखा है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड अ स्पीड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। वेलोसिटी के अंदर में डायरेक्शन वर्ड भी आता है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। और देखिए स्पीड के डिफिनेशन में मैंने डायरेक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, समझ में आई बात नहीं आ रही है? स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, बाकी दोनों का डिफिनेशन सेम है, ठीक है। अब आ जाइए एसआई यूनिट पे, एसआई यूनिट दोनों की सेम है, एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, द एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज आल्सो मीटर पर सेकंड, दोनों का एसआई यूनिट सेम होता है, मीटर पर सेकंड। फिर मैंने आगे लिखा है स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। बट वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो स्पीड का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला आप क्लास 6 से पढ़ते हुए आ रहे हो। और जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। सिर्फ वेलोसिटी में एक बात याद रखिएगा, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर में और स्कूल के एग्जाम में दोनों में हमसे पूछा जाता है एवरेज स्पीड के बारे में, तब वहां पे हम लोग एवरेज स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो जो हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बनता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। समझ आ रही बात नहीं आ रही है? हमसे एवरेज स्पीड न्यूमेरिकल में पूछता है, तभी याद रखिए आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। हम क्या करते हैं इसके ऊपर में एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आपको इसका यूज समझ में आ जाए। एक काम कीजिए, जिस तरीके से मैंने लिखा है स्पीड और वेलोसिटी, आप इसको अपनी कॉपी पे वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए, ठीक है। बिलीव मी अगर आप हमारे नोट्स को बना रहे हो, एक भी न्यूमेरिकल या एक भी थ्योरी आपके स्कूल एग्जामिनेशन में हमारे नोट से बाहर नहीं आएगी, आई प्रॉमिस, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं। देखो एज यू नो फिजिक्स के अंदर में न्यूमेरिकल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, न्यूमेरिकल का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो मैंने अभी तक जो थ्योरी पढ़ी है उसके ऊपर से मैंने न्यूमेरिकल लिया है एवरेज स्पीड पे। तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन हमारा क्या है, क्या फाइंड आउट करना है। बोला है एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 20 मीटर इन 4 सेकंड, कोई ऑब्जेक्ट है जो 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है 4 सेकंड में, ठीक है। एंड देन अनदर 16 मीटर और 16 मीटर ट्रेवल करता है 2 सेकंड में। बोला है व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है फर्स्ट टाइम में पहली बार में 20 मीटर 4 सेकंड में और 16 मीटर 2 सेकंड में, पूछा व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखो पहली बार में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 20 मीटर, यहां पर लिख दो आप 20 मीटर, और उसके बाद कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 16 मीटर प्लस 16 मीटर और डिस्टेंस होता तो और को ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, जब 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तब इनको टाइम लगा 4 सेकंड, 4 सेकंड प्लस
जब इन्होंने 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया तो टाइम लगा हमारा 2 सेकंड। ठीक है, आप इसको ऐड कीजिए, 20 प्लस 16 कितना आएगा, यह हमारा जाएगा 36 मीटर। ओके, टाइम ऐड कीजिए, 4 प्लस 2 कितना होगा, 6 सेकंड, तो ये कट जाएगा 6 6 36, तो हमारा एवरेज स्पीड आ गया 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये हमारी न्यूमेरिकल की बिगिनिंग है, ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया था, अभी हम ये हमारा बिल्कुल लो लेवल का क्वेश्चन है, एवरेज लेवल का क्वेश्चन है, फिर हम धीरे धीरे अपने लेवल को ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 30 मीटर, कोई ऑब्जेक्ट है 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है कितने टाइम में, 6 सेकंड में 30 मीटर, देन 20 मीटर इन 4 सेकंड, 20 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में ट्रेवल करता है, एंड 15 मीटर इन 3 सेकंड, 15 मीटर कितने में, 3 सेकंड में। हमसे पूछा है फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है, आप सेम फॉर्मूला लगाओगे, आप हमें इसका आंसर फाइंड आउट करके इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करोगे, हमारा क्वेश्चन का आंसर ये आया है। ठीक है, कमेंट करोगे, आज के लेक्चर को मैं यहीं पर रोकता हूं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एक्सेलरेशन के बारे में, जो आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, तो एक्सेलरेशन का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उसके ऊपर में 2 4 5 अच्छे न्यूमेरिकल को कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। ओके, तो मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।